आज है। तो व्हाट इज ओजोन ओजोन मतलब ओ थ्री तो ओजोन क्या है एलोटॉप है। ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन के दो हैं ओ टू एंड ओ थ्री ठीक है तो ओ थ्री इज ट्राई ऑक्सीजन और ओजोन सबसे पहली चीज सेकेंड है ये बनता कैसे है? तो जब क्या होता है एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन होता है और ऊपर से जो सनलाइट होती है उससे यूवी लाइट आती है तो यूवी लाइट जैसी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगी तो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है ठीक है तो ये पहला स्टेप है ओजोन प्रिपरेशन का और ये लगभग ट्वेंटी किलोमीटर द सरफेस ऑफ द अर्थ ठीक है अब होता क्या है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन में आपने देखा होगा स्टेटोस्फियर में होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड या एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन या रिएक्टिव Hydroxile, इसको डिप्ले, इसको क्या करते हैं डिस्ट्रॉय कर देते इसको ओजोन को ओजोन को सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं ठीक है कैसे जैसे एनओ NO है आपके पास एनओ NO, गैस निकली और ये कहाँ से निकलती जनरली ये आ, निकलती है एरोसोल प्रोपलेंस यानी कि जो आ, एरोप्लेन वगैरह चलते हैं या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं एरोप्लेन्स uh, होते हैं सुपरसोनिक होते हैं फाइटर्स ऑफ सुपरसोनिक एरोप्लेन्स और ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यहाँ से गैसेस निकलती हैं ठीक है तो जो गैसेस निकलती है जैसे एनओ निकल गया या ओ डॉट निकल गया तो ये क्या करते हैं ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं कैसे एनओ जैसी ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा एनओ टू बनाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है तो ओजोन किस में कन्वर्ट हो गई ऑक्सीजन में तो ओजोन का डिप्लेशन स्टार्ट हो जाता है ठीक है इसीलिए ये क्या होते हैं हार्मफुल होते होते हैं जो सुपरसोनिक, आ, होते हैं जो सुपरसोनिक किसके लिए ओजोन लेयर के लिए और आ, दूसरा इसमें है ये ओ एच ओ एच डॉट हाइड्रोक्साइल ग्रुप ये भी क्या करेगा ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है इससे और एच ओ ओ डॉट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये एच ओ ओ रेडिकल एटोमिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके ऑक्सीजन बना देता है और ओ एच डॉट आ जाता है फिर से तो ये सिक्वेंस चलती रहती है दोबारा ये डिस्ट्रॉय करेगा तो इस तरीके से ओजोन लेयर क्या होता है डिप्लीशन होता चला जाता है इसका एक और मेन रीजन है सी एफ सी क्लोरो फ्लोरो कार्बन ये पढ़ा होगा आपने पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन जो पहले फ्रिज से निकलता था ठीक है सी एफ सी और अब फ्रिज जो आते हैं उसमें सी एफ सी गैस नहीं निकलती है पहले थी जो निकलती थी फिर उसको चेंज किया गया तो सी एफ सी मीन्स सी एफ सी मीन्स सी एल टू सी एफ टू एफ सी अब इसमें जैसे ही क्या होगा अल्ट्रा वाले ट्रेस आएगी तो आपके पास सी एल डॉट मिलेगा आपको और दूसरा डॉट मिलेगा सी डॉट सी एल एफ टू तो ये कैसे टूटता है देखो सी एल होता है और सी एल होता है दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और बाकी सी एफ टू होता है तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में डिवाइड कर लेते हैं ये इसके पास चला गया ये से चला गया इसे कहते हैं फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल फॉर्म फ्री रेडिकल फॉर्म ये फ्री रेडिकल क्या करेगा मेन यही फॉर्मेशन है अब ये फ्री रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्शन करता है सी एल डॉट ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा ओजोन के साथ इसे O2 में कन्वर्ट कर देगा और इसका ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा तो सी एल ओ डॉट हो जाता है फिर आप इसे हीटिंग करोगे तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं सी एल डॉट और ओ डॉट ठीक है तो मेन इतना इतना जरूरी नहीं है इसमें मेन क्या है कि जो सी एल डॉट है ये ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और किस में कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीजन में और बन जाएगा सी एल ओ फ्री रेडिकल तो ये रिएक्शन चलती रहती है जिससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है तो उसका मेन रीजन ये भी है तो कौन कौन से हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए एनओ NO है एटमोस्फेरिक ये एटॉमिक ऑक्सीजन है हाइड्रोक्सेल ग्रुप है और सी एफ सी है तो ये मेन रिजन है जो ओजोन लेयर को क्या करते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओजोन लेयर के लिए। ठीक है? अब नेक्स्ट वन is... सर ये डॉट क्या है सर फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल डॉट का मतलब हुआ फ्री रेडिकल जैसे सपोज करो ये सी एल है तो इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है अब शेयरिंग करेगी और जब ये ब्रेक डाउन होगा लाइट की प्रेजेंस में तो क्या होता है कि दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर देते हैं तो क्योंकि शेयरिंग होती है दोनों बराबर के एलिमेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो इसे कहते हैं फ्री रेडिकल तो मैं फिलहाल उसे डॉट कह रहा हूं यानी फ्री रेडिकल ये इलेक्ट्रॉन है और दूसरा भी ये इलेक्ट्रॉन होता है तो दोनों में बराबर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो ये फ्री रेडिकल होता है जो हाईली रिएक्टिव होता है और तुरंत ओजोन के साथ रिएक्शन करता है और इसको किसमें चेंज कर देगा ऑक्सीजन में और यहां से सी एल ओ फिर रेडिकल मिलता तो है आपको यानी इलेक्ट्रॉन है ये उसे डॉट हैं ठीक है अब नेक्स्ट इसमें आता है तो ओजोन लिया डिप्लीशन के लिए कौन कौन सी चीजें तीन चार गैसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ ओजोन ओजोन बनता कैसे तो ओजोन बनने के लिए हम क्या करते हैं थ्री ओ सॉरी ऑक्सीजन है ऑक्सीजन oh, से ही बनता है इसमें सैलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को यूज करते हैं इसका टेम्परेचर लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज तो देंगे हम लेकिन हाई टेम्परेचर नहीं देते कम देते इसलिए इसको ये वर्ड यूज करते हैं अब जो ऑक्सीजन होगा ये किस में चेंज हो जाती है ओजोन में तो ये क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें जो डेल एच है यानी हीट रिक्वायर्ड है 142 किलो जूल पर मोल इतनी हीट इसमें रिक्वायर्ड होती है ठीक है इतनी हीट इसमें क्या है रिक्वायर्ड होती है अगर आपने हाई टेम्परेचर दिया तो ये ओजोन ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा और लो टेम्परेचर होता है कम होता है तो ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होती है तो इस तरीके से ये चेंज होती रहती है तो फाइनली वो देखता है कि जो टोटल ऑक्सीजन में से टेन परसेंट ही ओजोन फॉर्म होती है बस ठीक है इस प्रोसेस में केवल टेन परसेंट ओजोन ही फॉर्म है तो इसको कहते हैं ओजोनाइट ऑक्सीजन क्योंकि तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है और ओजोन की कम है तो इससे ओज, ओजोनाइट ऑक्सीजन कहते हैं ओजोनाइट ऑक्सीजन ठीक है तो ये फॉर्मेशन है ओजोन का तो ओजोन किससे बनता है ऑक्सीजन से ही बनेगा क्लियर yes, आ, इसमें स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है जिसका लेस हीट प्रोड्यूस करता हो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका स्ट्रक्चर तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखो इसका स्ट्रक्चर बनता है जो ऑक्सीजन है मिडिल का बाकी ये दो हैं तो इसमें प्लस चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है यहाँ पे दो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वन टू थ्री ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्योंकि तो तीन और एक चार ये हो गए इसमें एक लोन पेयर होता है तो बाकी दो बॉन्ड तो वन टू थ्री थ्री टू जो सिक्स और टू एट इलेक्ट्रॉन इस मिडिल वाले के पास और साइड वाले के पास चार इलेक्ट्रॉन तो ये है शेयरिंग करने के दो ये हो गए और दो ये चार तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इस तरीके से इसमें माइनस चार्ज प्लस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब होगा क्या कि यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ डोनेट करेगा तो क्या होगा अब की बार यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा ठीक है ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर को ये वापस कर देगा तो वापस करने के बाद इसके पास छह इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसे कहते हैं रेजोनेंस और रेजोनेंस के बाद रेजोनेंस हाइब्रिड होता है हाइब्रिड को कैसे दिखाएंगे डॉटेड लाइन से डॉटेड लाइन से ऐसे वन टू ये डॉटेड लाइन ठीक है तो ये बन गया आपका ओजोन का रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये स्ट्रक्चर है किसका ओजोन का तो इन जनरल में हम ओजोन को कैसे दिखाते हैं ओजोन को ऐसे दिखाते हैं डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ये होता है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन और इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में यहां प्लस चार्ज यहां माइनस चार्ज फिर क्या होता है ये माइनस चार्ज यहां जाएगा ये माइनस इधर आएगा यानी ये रेजोनेंस शो करेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज इसमें ये इसमें यहां पे डबल बॉन्ड ठीक है और ये प्लस चार्ज ही रहेगा तो इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन होता है ठीक स्ट्रक्चर समझ में आया अब इसमें आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है ओजोन पे यानी लाइट येलो गैस ब्लू गैस होती है लाइट ब्लू गैस होती है और स्ट्रॉन्ग कैरक्टरिस्टिक स्मेल होती है इसकी इसकी जो स्मेल होती है आ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है इससे देखो हेड एक भी हो सकता है अगर आप डायरेक्ट इससे लेते हो और यह नौसिया वगैरह हो सकता है और इसको जो प्योर होता है ये कंडेंस होके डी ब्लू लिक्विड में चेंज हो जाती है और इसका बॉलिंग पॉइंट होता है 161 हैलबिन और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 80 कैलविन जब ये वॉलेट ब्लैक सॉलिड होता है यानी 80 कैलबिन मेल्टिंग पॉइंट हो गया 161 सिक्सटी वन बॉलिंग पॉइंट हो गया ठीक है और उसके अलावा ये 1.67 टाइम्स सिक्स होती है एयर से और वेपर डेंसिटी 24 होता है स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है और रेडली डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और ओजोन इज डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जबकि डाइऑक्साइडन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा पैरामैग्नेटिक में लेकिन डायमैग्नेटिक मैग्नेट में नो अनपेड इलेक्ट्रॉन ठीक है तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है ओजोन की क्लियर यस सर ओके अब आगे बढ़ जाते हैं सर हाँ ये तो होता है एयर से सर वन पॉइंट सिक्स टाइम्स हाँ ये फिर भी उतना ऊंचा एयर में कैसे रह लेता है ये बैठता नहीं है ओजोन एक्चुअल में क्या है कि जो हर एक के लिए क्या होता है अलग अलग लेयर बनी हुई है जो एटमोस्फेर है उसमें स्टेटोस्फियर है और तीन चार अलग अलग लेयर हर एक चीज की बनी होती है तो, हाँ तो ये स्टेटोस्फियर में ही एग्जिस्ट करता है यानी कि इसकी जो कंडीशन होगी वो वहां के लिए सरवाइव होती है बाकी के लिए नहीं हो पाती इसलिए नीचे नहीं आएगा यहाँ पे वैसे भी गैस फॉर्म में होती है गैस फॉर्म क्या होती ज्यादातर ऊपर ही रहती है लेकिन ये डिपेंड करती है कि वहां पे जो किस सिचुएशन में या कौन सी जैसे रेडियो से तो उसकी रेंज होती है और उसका लेवल कहाँ पे होता है तो हर एक के लिए अलग अलग रेंज का जो भी होगा उसके अलग अलग लेयर उसके लिए बना होता है ठीक है तो जो जितनी भी तरीके की वेव्स या चीजें होती गैस होती है इनकी अलग अलग लेयर होती है इस लेयर में ये होनी चाहिए इस लेयर में ये होना चाहिए ठीक है तो जनरली ये वहां पे होती है ऊपर और उससे वो बेनिफिट ही है क्योंकि वो अल्ट्रा वायलट रेस को नीचे नहीं आने देती है ठीक सर yes, अब नेक्स्ट है देखो केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल में आता है इसमें न्यूट्रल यानी कि ये लिटमस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे रेड लिटमस हो चाहे ब्लू लिटमस हो किसी को भी आप डालोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है तो ये आपका क्या हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन ठीक तो न्यूट्रल होता है ओजोन सेकंड इज डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकडाउन हो जाना अब जनरली होता क्या है कि जितने भी ओजोन होते हैं आप इसे डिकम्पोज करोगे तो हीट रिक्वायर्ड होती है लेकिन ओजोन के केस में क्या होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है इसमें हीट निकलती है बाहर ठीक है तो अगर आप इसको डिकम्पोज करते और ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है तो अगर ये ज्यादा अमाउंट होता है हाई कंसनट्रेशन लोगे तो ये डेंजरसली क्या होता है एक्सप्लोसिव हो सकता है इससे एकदम से विस्फोट हो सकता है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें हीट रिलीज होती है हीट क्या होती है रिलीज होती है और जब हीट रिलीज हो जाएगी तो क्या होगा ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एक साथ रिलीज होगी तो इट इज वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोसिव इन नेचर ठीक है तो इसको हाई कंसंट्रेशन में नहीं रखा जाता नहीं तो एक्सप्लोसिव हो सकता है तो इसकी रिएक्शन ये लिखी हुई है देखो टू ओ थ्री ग्रिप्स थ्री ओ टू और टेम्परेचर है फोर सेवनटी थ्री कैलविन टेम्परेचर पे और इसमें जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो करते हैं एम एन ओ टू डाइऑक्साइड या प्लेटिनम या क्यूप्रिक ऑक्साइड सी यू ओ जिससे क्या होगा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट हो जाएगी जनरली अगर वह रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन स्लो चलेगी लेकिन जैसे मैंने उसमें कैटलिस्ट मिलाया एम एन ओ टू या प्लेटिनम या सी यू ओ तो क्या होगा इसकी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी ठीक है तो रिएक्शन फास्ट करने के लिए हम उसमें ओजोन होता है ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पता कैसा चला ही आप ऑक्सीजन ओजोन को रखोगे तो ये तुरंत ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है अब ये क्या होगा दूसरे के साथ ऐड हो जाएगा ये जैसे ही आप देखोगे ओजोन को ये के साथ तुरंत ऐड हो जाएगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग या पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ठीक yes, अब देखो ऑक्सीडेशन की कौन कौन सी रिएक्शन है पहला इसमें लेड सल्फाइड पीबीएस अब देखो रिएक्शन याद करो जैसे ओजोन है ओजोन किस में टूटेगा ओ टू में और ओ में ठीक है और पीबीएस इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर क्या बन जाएगा पीबीएसओ फोर तो फाइनल रिएक्शन क्या होगी पी बी एस प्लस ओ थ्री पी प्लस ओ थ्री गिफ्ट अब पीबीएस से क्या बन गया पीबीएसओ फोर बन गया क्योंकि जिसने जो ऑक्सीजन निकाला था ओजोन ने ऐड कर लिया और यहाँ से ओजोन से ओ टू बन जाएगा अब ये पता कैसे चलेगा कि ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं अब देखो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा माइनस टू हो जाएगा यहाँ पे देखो इसको हमने किया सल्फर का कितना होता है यहाँ पे प्लस सिक्स हो जाएगा ठीक प्लस सिक्स होगा तो इसका मतलब क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन हो गया वैसे भी दिख रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ ऑक्सीडेशन तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया ठीक है तो ऑक्सीडेशन किसने किया ओजोन ने तो इसीलिए कहते हैं ऐसी के जैसे आपने सीयूएस लिया और ओ थ्री को कंबाइन कर दिया तो ये सीयूएस किसमें चेंज हो जाएगा सीयूएस ओ फोर में और ओ थ्री से क्या बन जाएगा ओ टू ठीक है ओ3 से क्या बन गया ओ2 और Cu S से क्या बन जाएगा CuSO4 ठीक है ऐसे ZnS के साथ है ZnS लोगे प्लस O3 करोगे तो ZnS से क्या बन जाएगा ZnSO4 और O3 से क्या बनेगा O2 ऐसे CdS है CdS O3 तो CdS है तो S से बन जाएगा SO4 और O3 से बन जाएगा O2 तो ये रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ठीक है तो ये सल्फाइड के साथ ऐसी रिएक्शन देता है एस सी के साथ होगा तो एस के साथ क्या होगा देखो एस सी एल प्लस ओ थ्री, तो ओ थ्री से आपको पता है ओ टू मिलेगा और एस सी एल किस में टूटेगा सीएल एच टू ओ में वाटर में ठीक है तो ऑक्सीजन जो आएगा वो किसके साथ कंबाइंड होगा इसमें हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर वाटर बना देगा और सीएल अलग हो जाएगा तो सीएल टू प्लस एच टू ओ प्लस ऐसी नेक्स्ट है इसमें के एन ओ टू के एन ओ टू यहाँ पे एन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी प्लस थ्री कैसे के का प्लस वन इसको एक्स मान लो ये टू जा फोर ठीक है टू जा फोर माइनस का होगा तो हो जाएगा एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो टू प्लस थ्री तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री प्लस ओ थ्री अब ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो हो जाएगा के एन ओ थ्री अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी देखो थ्री टू जा तो 6, ये प्लस 1. तो ये ये हो जाएगा प्लस 5. अब देखो प्लस 3 से प्लस 5 में जा रहा है यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो ओ थ्री किसका काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या दूसरी तरीके से देखो यहाँ पे ओ के दो थे यहाँ तीन हो गए तो ऑक्सीजन बढ़ गया तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया तो इस तरीके से भी आप इसे देख सकते हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ठीक है तो ओजोन का काम क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर हाँ ये सीडीएस कौन सा कंपाउंड है सी है कैडमियम और एस मतलब सल्फाइड कैडमियम सल्फाइड कैडमियम होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट तो इसीलिए आपने उसका नाम नहीं सुना होगा कैडमियम ये फोर्टी एट उसका एटॉमिक नंबर है कैडमियम का डी ब्लॉक का है ठीक है और एस का मतलब सल्फाइड तो कैडमियम सल्फाइड ठीक सर। अब देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में भी ये क्या करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो एसिडिक मीडियम है उसके दो तरीके हैं एक है शॉर्टकट मेथड जैसे एफ ई है Fe फेरस है और फेरिक का मतलब जब ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री हो जाएगी ठीक है अब हमने इसमें ओजोन ऐड कराया इन प्रजेंस ऑफ एच प्लस तो क्या होगा देखो एच प्लस से किसमें चेंज हो जाएगा एच टू में ध्यान रखना ओजोन किसमें चेंज हो जाएगा ओ टू में और Fe3 किस में चेंज Fe2 में। बस इसकी प्लस रिएक्शन है जब भी ये रिएक्शन आएगी एसिडिक मीडियम में तो आपको ध्यान रखना है यानी एसिड से क्या बनता है हमेशा एच एस टू और ओजोन से क्या बनेगा ओ टू बनेगा और एफ टू प्लस से एफ थ्री प्लस अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड में भी एक ही बात है एफ ई फोर मतलब यहाँ पे प्लस टू ऑक्सीन स्टेट ये बनेगा एफ ई टू एसओ फोर का होल थ्राइस तो यहां पर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट बाकी सब कुछ सेम है S2, लिखा आपने और ओ जोन लिखा तो एस टू में, में और ओ थ्री में चेंज हो जाएगा ओ O2 टू में O2. तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक है एसिडिक मीडियम में ठीक है अब ऐसी कोई रिएक्शन आएगी आपको ध्यान रखना अब क्या मैनो ये आपका देखो ये बड़ा कंपाउंड है K4 K4 Fe CN6 दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इसमें सिर्फ आपको क्या देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन ये 2 है तो प्लस टू से किस में चेंज हो जाएगा प्लस थ्री में बस और कुछ नहीं है और मैंने क्या किया यहाँ पे अच्छा ये एच टू ओ एड किया इसने यहां पे और ओ थ्री तो ओ थ्री से तो क्या बनेगा ओ टू बन जाएगा O2. अब एच टू यहाँ पे केवच बन जाता है, ठीक है के ओ एच यहाँ पे बन जाएगा एच टू से के यहाँ से निकलेगा ये फोर था यहाँ है, तो जो एक के यहाँ निकला वो इस ऑक्सी के साथ कंबाइंड होके के बना देता है, लेकिन अगर एसिडिक मीडियम होगा तो जो मैंने आपको पहले तरीका बताया बस वही इसमें चलता ठीक है।, है और ऐसे ही देखो के टू एम एन ओ फोर है के टू एम एन ओ फोर में एम एन की ऑक्सीडेशन है प्लस सिक्स तो के के टू इंटू वन हो गया एम एन को एक्स मान लो ऑक्सीजन का होता है माइनस टू इज इक्वल टू जीरो टू प्लस एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू प्लस सिक्स और ये किसमें चेंज हो जाएगा प्लस सेवन में तो प्लस सेवन का मतलब के एम एन ओ फोर तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो ये प्लस सेवन ध्यान रखना प्लस सिक्स से प्लस सेवन में चेंज हो गया और बाकी एस टू से के बन और ओ थ्री से ओ टू बन गया ठीक है तो ये फिक्स है चीजें कुछ रिएक्शन क्या होते हैं फिक्स होती है कि ये अगर यहाँ पे इतना है तो यहाँ ऐसे बनेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यही तरीका है बस अब नेक्स्ट देखो अगर आयोडीन लिया आपने आई टू तो आई टू और आ, क्या करेंगे एस टू के साथ रिएक्शन करेंगे ओजोन है तो ओजोन का आपको पता है क्या बनता है ओ टू बन जाएगा ठीक है ओजोन से फिक्स है ओ टू बनेगा अब जो कंपाउंड लोग जैसे आई टू लिया प्लस वाटर लिया तो ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं अब ये आयोडीन का एसिड बनाएगा ध्यान रखना एच आई ओ थ्री यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव वाला एसिड बनेगा इसमें ठीक है तो इसमें एसिड बनता है अगर आपने i2 h2 किया तो इसका बन जाएगा hio3 यानी इसका एसिड बनेगा जिसका भी आप कंपाउंड लोगे उसका एसिड बन जाएगा ठीक जैसे आयोडीन का कंपाउंड लिया तो आयोडीन का एसिड बन जाएगा अब अगर आयोडीन नहीं लिया आपने सल्फर ले लिया तो आपको पता है सल्फर प्लस देखो s8 प्लस o3 h2o प्लस तो आपको पहले पता है कि ओजोन जहां भी होगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन गैस मिल रही है फिर अब सल्फर प्लस एस टू इसको मिला के एसिड बनाना आपने तो क्या होता है सल्फर और आ, एस का एस टू एसओ फोर तो इसमें जाएगा एच एस टू एसओ फोर तो एस टू एसओ फोर बन गया यानी एसिड बन गया सल्फर का और ये ओ थ्री से ओजोन बन जाएगा ठीक अगर ऐसी फॉस्फोरस लेंगे तो फॉस्फोरस प्लस एच टू ओ प्लस ओ थ्री तो आपको पता है कि ओ थ्री से क्या बनता है ओ टू बन जाता है ये ऑक्सीजन यहां देगा अब ये पी का एसिड बन जाएगा एसिड है H3PO4 थ्री पी ओ फोर ये फॉस्फोरिक एसिड तो ये इसका एसिड बन जाएगा दोनों मिलके जो भी इस कंपाउंड है उसका एसिड बनेगा और ओजोन से ओ टू गैस निकलेगी ठीक है तो ये इसका तरीका है रिएक्शन को याद करने का ठीक है Yes, sir. Okay. अब है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटेलॉइड्स मेटेलॉइड में भी वही होगा ठीक है जो किस में था अभी जो हमने किया था नॉन मेटल में तो जैसे नॉन मेटल में वैसे मेटेलॉइड में आपने आर्सेनिक ले लिया ठीक है इसको वाटर में मिक्स कर दिया प्लस ओ थ्री अब आपको पता है कि ओ थ्री इधर आ गया तो ओ थ्री का बाद में क्या होगा ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा अब ये आर्सेनिक एसिड बनाएगा तो इसका एसिड बन जाएगा एस थ्री ए एस ओ फोर इसमें इसकी हाइएस्ट होती है प्लस फाइव तो ये स्ट्रोंग एसिड बन जाता है एस थ्री ए एस ओ फोर अपने इसका ग्रुप का ठीक है तो ये इसका तरीका है जैसे अभी हमने किया था वही अभी किया ठीक यही तरीका क्या है एंटी मनी के साथ है सेम इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं करना है अब आपको पता है ओजोन है ओजोन किसमें चेंज हो जाएगा ओजोन हो जाएगा ऑक्सीजन में चेंज और ये दोनों मिलके आपस में एसिड बना देंगे तो बन जाएगा एच टूर ओ फोर हाँ बस आया समझ में ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है रिएक्शन को याद करने का अब नेक्स्ट इसमें आता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल मेटल का करेंगे अगर हम ऑक्सीडेशन तो क्या होगा ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा ठीक है कोई भी मेटल अगर आप उसका ऑक्सीडेशन करते हो तो वो ऑक्साइड में चेंज हो जाता है जैसे मैंने कहा ए का बताओ तो एजी प्लस ओ थ्री अब आपको पता है ओ थ्री किस में चेंज होगा ओ टू में अब ये क्या करता है ओ थ्री एक ऑक्सीजन देगा अब ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइंड होगा Ag के साथ तो Ag की वैलेंसी होती है प्लस वन ऑक्सीजन की माइनस टू तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा Ag2O एजी टू ओ हाँ एजी टू ठीक क्लियर ओके ऐसी एच जी का केस है एच जी एच जी प्लस ओ थ्री अब देखो ऑक्सी O3 का आपको पता है क्या O3 से O2 बन जाएगा ये ऑक्सीजन इसको दे देगा Hg को Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन ऑक्सीजन का माइनस टू ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो बन जाएगा Hg2O ठीक आए समझ में yes, sir. Yes, sir. तो ये मेटल के साथ क्या होगा नॉन मेटल के साथ क्या होगा और एसिड में क्या होगा ये ध्यान रखना आपने बस ये भी खत्म हो गया बस एक्सेप्शनल बिहेवियर बिहेवियर है देखो एक आध ऐसा होता है जैसे So2 +O3, तो ये बनेगा अब इसमें ऑक्सीजन नहीं निकला जनरली मैं आपको क्या बता रहा था कि ओजोन से ऑक्सीजन निकलेगा लेकिन ये कह रहा है कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं यहाँ पे ओजोन वो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा पे क्या बन गया केवल एसओ थ्री बन गया बस तो किसी केस में ऐसा भी हो सकता है और दूसरा एस एन सी एल टू प्लस एस सी एल प्लस ओ थ्री इसमें भी ओ टू नहीं निकला बार जबकि मैं हर बार क्या कह रहा हूं कि ओजोन से ओ टू निकलता है लेकिन यहाँ पे नहीं निकलेगा तो ये एक्सेप्शनल केस है और एस एन सी एल टू किस में चेंज हो गया एस एन सी एल फोर में और एस सी एल से वाटर बन गया ठीक है जो इसमें से सीएल था वो यहाँ एड हो गया जो इसका सी एल था वो यहां से यहाँ एड हो गया और यहाँ पे वाटर बन गया ये ऑक्सीजन का ओ यहाँ बन गया तो ये एक्सेप्शनल केस है ये इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग एक्शन ब्लीचिंग एक्शन क्या है इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग एक्शन का मतलब क्या होता है जैसे ओजोन है ओजोन किस में टूटेगा ओ में और नेसेंट ऑक्सीजन में अब ये नेसेंट ऑक्सीजन करता क्या है कोई भी कलर्ड चीज को कलर्ड को किस में चेंज कर देगा कलर हाँ कलरलेस में कलर टू कलरलेस तो उसे कहते हैं ब्लीचिंग एक्शन ठीक है ब्लीचिंग एक्शन मतलब कलर से किस में चेंज कर दिया कलर लेस में तो कलर टू कलर लेस में चेंज होगा तो उसे कहेंगे ब्लीचिंग एक्शन क्लियर सर किसी चीज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसे रिवर्स करना मुश्किल होता है नहीं अभी एसओ टू आएगा उसमें रिवर्स हो जाता है Yes, देखो डिपेंड करता है कंपाउंड के चीजों पे कोई स्टेबल बनेगा तो नहीं होगा अनस्टेबल बनेगा तो हो जाएगा तो उसका स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ती है कि स्टेबिलिटी अगर होगी तो नहीं बनेगा अगर अनस्टेबल होगा तो बन जाएगा इसीलिए तो yes, कई चीजें क्या होती हैं ऑक्सीडाइज हो जाती हैं अब देखो इसका इससे क्या होता है ओजोन ब्लीच कर देता है कई चीज को इंडिगो आइवरी लिटमस डेलिकेट फाइबर्स लाइक सिल्क या वो इसको क्या है ब्लीच करने के लिए हम ओजोन को यूज करते हैं ठीक है और ये माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट होता है यानी मीडियम वाला ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना वीक ठीक है एक्शन ऑन प्रोरक्साइड जैसे एच टू ओ टू ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका काम क्या है इसको ऑक्सीजन दे दिया तो ओ थ्री से ओ टू बन जाएगा और एच टू ओ टू से वाटर बन जाएगा ठीक है बाकी तो सबके साथ सेम कॉन्सेप्ट है जैसे ओ थ्री है इससे ओ टू बनना ही बनना है फिक्स है ठीक है अब ये यहाँ पे ऑक्सीजन देगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है देखो बी ए का यहाँ पे होता है प्लस टू ऑक्सीजन का माइनस टू होता है ठीक है दोनों का एक का माइनस वन हो जाएगा यानी परऑक्साइड ये ऑक्साइड में चेंज हो जाता है बस परऑक्साइड से ऑक्साइड बन जाता है और ओजोन ओ थ्री में चेंज हो जाता है तो ये आपका ओजोन भी फिनिश होता है पूरा तो ओजोन में क्या क्या चीज पूछी जाती है कि एक आ, उसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज और ब्लीचिंग एक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ठीक है तो ये तीन चीजें ज्यादा होती है उससे क्वेश्चन आंसर आएगा अभी प्रैक्टिस करोगे आप कोई भी क्वेश्चन वैसे पूछा जा सकता है इसका यूज क्या होता है देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है डिसइंफेक्टेंट में यूज करते हैं हम इसे जर्मिसाइड्स में फॉरेस्टलाइजिंग वाटर वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए या जर्म्स को किल करने के लिए हम इसे यूज करेंगे ब्लीचिंग एक्शन के लिए यूज करते हैं हम जो अभी हमने कहा था ये वुड वगैरह सिल्क हो गया डेलिकेट फाइब्रिक ओइल स्टार्स आइवरी ये फ्लेवर स्टार्च एसेट्रा इसको ब्लीच करने के लिए काम आता है यानी ब्लीचिंग एक्शन का काम करता है ठीक है प्यूरिफाइंग एयर करता है जो क्राउडेड एरिया होते हैं सिनेमा हॉल हो गया अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन हो गया टनल्स हो गए इसमें क्या करता है जो एयर है उसको प्योरीफाई करने के लिए यूज करेगा इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है कि इसमें आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में सिंथेटिक कैम्फर बनाने में पोटेशियम पर को बनाने में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का करता है और यूज फॉर डिटेक्टिंग अगर कहीं पे unsaturated carbon है और double bond कहीं पे आ गया तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस पोजिशन में डबल बॉन्ड है तो वो ओजोन की हेल्प से इजिली पता चल जाता है तो ये इसके यूजेस हो गए ठीक है तो ये टाइम खत्म हो रहा है आपको रिज्वाइन करना है फिर सेम आई डी पे रिज्वाइन करो सेम आईडी